मामूली खेल है, चार खिलाड़ी हैं, पहला खिलाड़ी लॉक खोलेगा और दूसरा माल निकालेगा। कहां से? IMF हेडक्वार्टर से। यह है कहां पर? लैंगले में। लैंगले में जो वर्जीनिया में है, वहां जहां CIA हेडक्वार्टर्स है लैंगली में, क्या ये सच बोलता है? बिल्कुल। हम वर्जीनिया जा रहे हैं तो क्यों ना फोर्ट नॉक्स होते हुए चलें? मैं यकीनन अपना हेलीकॉप्टर लॉबी में ले जाकर बिल्कुल वॉल्ट के अंदर उतार सकता हूं। ये ज्यादा आसान रहेगा बनिस्बत CIA हेडक्वार्टर्स में घुसने के। हमें चुराना क्या होगा? जानकारी। किस तरह की जानकारी? फायदे वाली, पैसा डिलीवरी पर। समझ नहीं पा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लेयर, मुझे तो नहीं लगता कि ये वही लूथर स्टिकल है। तुम्हें किस नाम से पुकारते थे? कंप्यूटर प्रोग्राम चोर, कंप्यूटर प्रोग्राम डाकू। एक ही तो आदमी जिंदा बचा है जिसने नेटो की लिस्ट चुराई थी। उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि मेरा उनसे कोई संबंध है। उस लाजवाब और अजीबोगरीब काम से तुम नहीं जानते तुम क्या खोने जा रहे हो। ऐसा मौका तुम्हें आज तक नहीं मिला होगा। तुम सिर्फ अपना दिल खुश कर रहे हो ये बड़े बड़े नाम लेकर, जैसे कि क्रिप्टो, क्रेजी एक्सेस वगैरह वगैरह। क्रीगर कर सकता है, ठीक है? थोड़ा वक्त लग सकता है। थोड़ा वक्त से क्या मतलब है तुम्हारा? क्लेयर ने तो कुछ और ही बताया था। सोचने वाला कंप्यूटर चाहिए। मैं बात कर रहा हूं 686 कंप्यूटर मशीन की, जो अपनी अकल इस्तेमाल करने की काबिलियत रखती हो 24 घंटों के लिए। और काम पूरा हो जाने पर सारे कंप्यूटर मेरे होंगे। लूथर, अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचा। देखो, मैं ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम में नहीं घुस सकता। मेन फ्रेम तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है। शायद इसलिए उसका नाम रखा है अकेले हम, जिसका मतलब है मुझे खुद टर्मिनल पर रहना पड़ेगा। बात सुनो लूथर, ये काम इतना आसान नहीं है। वो कंप्यूटर एक बहुत ही सुरक्षित जगह में है। सिर्फ एक ही आदमी को उस जगह में दाखिले की इजाजत है और उसे भी कई सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। विलियम डॉनलॉ। पहले है आवाज की पहचान, जिसके साथ है एक कोड नंबर। इसे पार करके सिर्फ बाहर के कमरे तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद आंखों के रेटिना की जांच होती है और आखिर में है सिक्योरिटी अलार्म, जो सिर्फ एक डबल इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से ही बंद हो सकता है, जो हमारे पास नहीं होगा। कंप्यूटर रूम के अंदर तीन ऐसे सिस्टम है जो टेक्नीशियन के बाहर आते ही शुरू हो जाते हैं। पहला आवाज पर निर्भर है, जरा सी आहट से भी अलार्म बजने लगता है। दूसरा सिस्टम निर्भर है कमरे के टेम्परेचर पर। कमरे के अंदर अनजान आदमी के शरीर की गर्मी से अगर टेम्परेचर 1 डिग्री भी बढ़ गया तो यह बजने लगेगा। कमरे का टेम्परेचर स्थिर रखा जाता है एयर कंडीशनिंग से, जिसकी हवा फर्श से 30 फुट ऊपर लगी एक डक्ट से आती है। डक्ट के ऊपर लेजर किरणों का जाल लगा हुआ है। तीसरा सिस्टम फर्श पर है और यह वजन पर निर्भर है। जरा भी वजन बढ़ा तो अलार्म बजने लगता है। इनमें से एक भी सिस्टम को चेतावनी मिलते ही कमरा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। मेरी बात का यकीन कीजिए जेंटलमैन, ये तीनों सिस्टम एक लाजवाब कला का नमूना है। क्या सचमुच ये काम हमसे होगा? हम करके दिखाएंगे।